नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। और सुर्खी के बाद रुख खबरों का करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर से, बिहार में तीन जगहों पर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। कटिहार, सासाराम, दानापुर में मॉब लिंचिंग हुई है। और कटिहार में चोरी के शक में नाबालिग को खंभे से बांधकर पीटा गया। सासाराम में बच्चा चोरी के आरोप में दो महिलाओं की पिटाई हुई है। वहीं दानापुर में चोरी के आरोप में दो लोगों को जमकर पीटा गया। तो जहां देश भर में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां आपको बता दें लगातार विपक्ष भी मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है, वहीं पर एक बार फिर से तीन जगहों पर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। कटिहार, सासाराम और दानापुर में मॉब लिंचिंग हुई है। वहीं इसी कड़ी में कटिहार में मॉब लिंचिंग का मामला आपको बताते हैं, जहां नाबालिग को खंभे से बांधकर पीटा गया। नाबालिग पर साइकिल चोरी का आरोप था। पंचायत भवन के कमरे में बंधक बनाया गया और भारी पंचायत में सजा यहां पर दी गई। तो अहम खबर, जहां कटिहार में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। नाबालिग को खंभे से बांधकर यहां पर पीटा गया था। इसके बाद साइकिल चोरी का यहां पर आरोप था, जिस पर भीड़ ने इसकी खंभे से बांधकर धुनाई कर डाली। पंचायत भवन के कमरे में बंधक इसे बनाया गया और भरी पंचायत में सजा दी गई। तो आखिर सवाल सिस्टम से है कि किस तरह की सजा है और ये किस तरह का कदम है जो अब लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कानून का भय क्या लोगों में खत्म हो चुका है? इस तरह के मामले जिस तरह से दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि आखिर खाकी वो विश्वास जो लोगों में बना हुआ था दिनों दिन, वो खत्म क्यों होता जा रहा है? उसे बनाए रखने में सफल क्यों नहीं हो पा रही? और सवाल उस भीड़ तंत्र से भी है कि आखिर वो इस तरह से कानून को हाथ में लगातार क्यों ले रहा है? चोरी क्या है तुम? मैं राहुल जी का लड़का, मेरे साथ वही किया। तुमको जो पकड़ा है लोग पकड़ा, वो साइकिल छोड़ के हमको साइकिल में बैठाया भी नहीं, भाग गया। हमको खड़ा रह गया, साइकिल भी किया तो हम भागे कैसे? मार्ग लगाया, बोला तुम इसी के साथ पकड़ लिया। तुम उसके साथ में था? हाँ, साथ में था तो चोर तो क्यों नहीं हुआ ना? वार्ड सदस्य उधर फोन किया, एक चोर पकड़ा है, साइकिल चोर। हम बोले कि भाई मारपीट मत करना, तू चोर करके लेकर पंचायत बनाओ। उसको पंचायत भवन लेकर आ रहा था, बहुत सारा लोग पीछे से जो है उसके पीछे आ रहा था। देखिए मोमेंट गर्म था, बहुत गर्म था, हो सकता है कि पब्लिक मोमेंट में मारा जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो ये जिम्मेवार मेरे ऊपर में आ जाएगा। कटिहार से जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, लगातार मॉब लिंचिंग के मामले पूरे प्रदेश में सामने आ रहे हैं, और ऐसे में जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, प्रशासन की ओर से भी कोई कदम यहां पर उठाए नहीं जा रहे, आखिर वजह यहां पर क्या कुछ सबसे बड़ी नजर आ रही है? अब अगर इस मामले की बात की जाए तो अब पुलिस से क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए? देखिए, जो मामला था वो सामने पुलिस के सामने हो रही थी। पंचायत पुलिस बाहर पंचायत भवन के बाहर बैठी हुई थी और मुखिया जी पंचायत के फैसले को निपटाने में जुटे हुए थे। मुखिया जी बार बार कह भी रहे हैं कि दो घंटे से मैं इस पंचायत भवन में हूं और जो आरोपी नाबालिग उसे लाकर रखा गया है, मोमेंट गर्म थी उससे बचाया जा रहा है और पंचायत की जा रही है। अब बाहर पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है, पंचायत के मुखिया पर छोड़ रखा है कि फैसला मुखिया जी कर ही रहे हैं तो फिर हमारी जरूरत है कहां। मामला को निपटाया गया, जैसे तैसे निपटाने की बात बताई जा रही है। नाबालिग बच्चे के परिजनों को बुलाया गया, पैसे लिए गए और पंचायत ने फैसला अभी रात को निपटा दिया। पूरा मामला पुलिस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि अब पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। हालांकि मैंने स्थानीय पुलिस पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मोबाइल बंद कर डाला। पूरा मामला पुलिस अधीक्षक के पास है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मामले की जानकारी लेने के बाद स्थानीय थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई करेंगे और उस मुखिया से भी पूछताछ की जाएगी जो रात के अंधेरे में फैसला पंचायत भवन में निपटा रहे थे। जी बिल्कुल, और यही उम्मीद है कि कोई कार्रवाई होगी, संदेश मिलेगा और उसके बाद इस तरह के मामले, इस तरह से कानून को हाथ में लेते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। साथ ही कानून भी सबक लेगा कि अपना काम करे, अपनी कार्रवाई करे, जिससे लोगों